वो जो चिकन नेक एरिया है वो ग्रेटर कूच बिहार है, कूच बिहार रियासत का हिस्सा है, विस्तृत कूच बिहार जो पहले था जिसको जब प्राग ज्योतिषपुर कहते थे उस समय के वो हिस्सा है। इसलिए अब वहां पर रोहिंग्याओं की लैंडिंग है, वहां रोहिंग्या आते हैं और वहां से पूरे देश में फैलते हैं। वहां पर रोहिंग्याओं द्वारा ग्रस्त है वो क्षेत्र और इस वजह से वहां का जो मूल निवासी समाज है जिसको क्षत्रिय राजवंशी समुदाय कहते हैं उसकी जमीन जायदाद इज्जत स्त्री सब पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं और इस वजह से कूच बिहार जो है अभी चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां के जो कूच बिहार के पीपल्स एसोसिएशन है, द ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन, उसके संरक्षक महाराज अनंत देव नारायण भूप बहादुर हैं, उनसे समझौता किया था और उस समझौते के तहत ही भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में जन्म हुआ। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टू टीवी। दोस्तों, आज नेक्स्ट टू टीवी में हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंह नरूका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं राजेंद्र सिंह नरूका जी से, राजेंद्र सिंह नरूका जी इतिहास और आज के कल्चर और जो तमाम राजपूताना विरासत रही है उनके जानकार हैं। आज उसी को लेकर हम आए हैं, कूच बिहार विरासत को लेकर, जो वहां की रियासत रही है उसका इतिहास क्या है उसको जानने के लिए। चलिए बात करते हैं सर, कूच बिहार जो रियासत है अभी ये क्यों एकदम से सुर्खियों में आ गई है इस वक्त? कूच बिहार रियासत अभी सुर्खियों में इसलिए आ गई है कि बंगाल के अंदर जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं, भारत के सही मायने में एक तो भारत हो गया बंगाल से इधर का और एक हो गया सेवन सिस्टर्स के उधर का, जिसमें अपने असम एंड जितने सातों स्टेट आते हैं जी, बिल्कुल, इसके बीच में इसको जोड़ता है एक एरिया जिसको चिकन नेक बोला जाता है, यानी ऐसे मुर्गे की गर्दन की तरह। वो जो चिकन नेक एरिया है वो ग्रेटर कूच बिहार है, कूच बिहार रियासत का हिस्सा है, विस्तृत कूच बिहार जो पहले था जिसको जब प्राग ज्योतिषपुर कहते थे उस समय के वो हिस्सा है। इसलिए अब वहां पर रोहिंग्याओं की लैंडिंग है, वहां रोहिंग्या आते हैं और वहां से पूरे देश में फैलते हैं। वहां पर रोहिंग्याओं द्वारा ग्रस्त है वो क्षेत्र और इस वजह से वहां का जो मूल निवासी समाज है जिसको क्षत्रिय राजवंशी समुदाय कहते हैं उसकी जमीन जायदाद इज्जत स्त्री सब पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं और इस वजह से कूच बिहार जो है अभी चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां के जो कूच बिहार के पीपल्स एसोसिएशन है, द ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन, उसके संरक्षक महाराज अनंत देव नारायण भूप बहादुर हैं, उनसे समझौता किया था और उस समझौते के तहत ही भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में जन्म हुआ और बंगाल में उसको कुछ 19 में बढ़त मिली और उस बढ़त के बाद इस बार वहां का ये क्षत्रिय राजवंशी समुदाय की शर्तों को इन्होंने माना नहीं था, जो उनकी एक बहुत पुरानी मांग है और मांग है कि ग्रेटर कूच बिहार एक अलग से रियासत यानी प्रांत हो। लेकिन प्रांत के बाद में फिर वो इन्होंने सुझाव दिया कि वो यूनियन टेरिटरी हो, फिर अच्छा। वो यूनियन टेरिटरी की बात हुई, वो भी इन्होंने दिया नहीं, तो इस बार वो नाराज था। ये बीजेपी ने सुझाव दिया था? हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने ही सुझाव दिया था। अच्छा, ये जो कूच बिहार रियासत है ये बताया जाता है कि हिस्टोरिकली तब से है जब से भारत है? नहीं, भारत से भी पहले। भारत क्या है इसका इतिहास? भारत सबसे पहले से भी है। हाँ, क्या है इसका इतिहास? ये सतयुग में इस क्षेत्र को स्वर्गपुरी बोलते थे, इंद्रपुरी बोलते थे। आपने बचपन में या अपने परिवारों में ये बात देखी होगी कि भाई ऊपर जाना, स्वर्ग ऊपर है। अब ये ऊपर का मतलब ये आसमान में नहीं है बल्कि धरती के इस हिस्से से ऊपर की ओर अपन जाते हैं। अच्छा, तो ये ऊपर की ओर जब हम जाएंगे तो ये जैसे ही किशनगंज आप पार करेंगे, मालदा वाला क्षेत्र से जैसे ही निकलेंगे आप, तो ये ऊपर होता चला जाएगा, ऊपर होता दार्जिलिंग वाला एरिया है, कंचनजंगा वाला एरिया है और ये महेंद्र पर्वत की ओर ऊपर जाता है। ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है इसको स्वर्ग बोलते हैं और यहाँ के जो राजा हैं उनको उनकी पदवी थी इंद्र,
जो भी राजा बनता था, राजा रहता था, उसको इंद्र कहा जाता था। राजाओं की अलग अलग पदवी है, जैसे आज महाराणा, महाराजा, रावल, महारावल, राव, उमराव, ठाकुर, इस तरह की पदवी है। ऐसे ही इंद्र भी एक राजा की पदवी है, और वहां का सिंहासन पर बैठता था वो, उसे इंद्रासन पर बैठने वाला इंद्र कहते थे। महाराज ययाति भी उस पर बैठे, तो वो इंद्रपुरी इसलिए कहलाता है। वहां का आपने जिक्र देखा होगा शतयुग के अंदर की उर्वशी, मेनका, वहां की जो अप्सराएं कहलाती हैं, वहां अप्सराएं इसलिए कहलाती हैं, या अप्सरा इसलिए बोली जाती है कि वहां का जो वातावरण है वो बड़ा समय समान वातावरण है, उसने इतनी जल्दी आदमी का जो शरीर है वो बुढ़ा नहीं लगता, वृद्धावस्था नहीं आती, शरीर समान रहता है, क्योंकि वहां जलवायु अच्छी है और वहां सभी चीज की प्रकृति की पूरी कृपा है। इसलिए जो मेनका है वो, मेनका जी महाराज दुष्यंत की नानी थी, शकुंतला जो भरत की, जो महाराज दुष्यंत की सासू जी थी। अच्छा, मेनका जी आई थी विश्वामित्र जी के पास में। हाँ, विश्वामित्र भेजी थी इंद्र ने उनके तप को कम करने के लिए कि कहीं ये इंद्रासन ना ले ले। और मेनका जी और महर्षि विश्वामित्र जी की पुत्री है शकुंतला जी। अच्छा। और शकुंतला जी के पुत्र हैं भरत। शकुंतला जी का विवाह हुआ था कुरुवंशी महाराज दुष्यंत से, हस्तिनापुर नरेश से। तो भरत जी की नानी है मेनका जी। मेनका जी जो वहां से बिलोंग करती हैं, कुछ बिहार से। इसी तरीके से जो उर्वशी हैं, हाँ, वो भी पुरु के साथ में उनका विवाह हुआ था, कुरुवंशी, क्योंकि पुरु से ही आगे कुरु बने हैं। हाँ। और कुरुवंश में ही अर्जुन और ये सब आए हैं। तो जब अर्जुन दिव्यास्त्रों के लिए इंद्र के पास गए थे, उस समय वहां उर्वशी ने उनको प्रणय निवेदन किया था। अच्छा, अर्जुन, अच्छा, अर्जुन से प्रभावित होकर। लेकिन अर्जुन ने उत्तर यह दिया था कि आप मेरी दादी नाती हैं, क्योंकि मेरे एक पूर्वज ने से आपका विवाह पहले हो चुका है, इसलिए आप मेरी माँ हैं और मैं आपके साथ ये काम नहीं कर सकता, जिसका उन्होंने श्राप भी दिया उर्वशी जी ने, और फिर वो श्राप थोड़ा हल्का भी किया और वो श्राप उनका वरदान साबित हुआ, जिसमें वो नपुंसक के और किन्नर के जीवन के रूप में विराट में रहे। हाँ, वो रहे वहां पे जो वनवास के वक्त जब उनको दिया गया था। ये हम बात कर रहे हैं सतयुग की। हाँ, सतयुग में यहां पर जो राजा था, हाँ, इंद्र, पदवी तो इंद्र की थी, हाँ, लेकिन वो राजाओं की आगे की जो चलती है तो उसमें जिक्र आता है कि सतयुग में इस क्षेत्र को इंद्रपुरी और स्वर्गपुरी बोलते थे। इसी तरीके से त्रेता में इसे मिथिलांचल बोलते थे। अच्छा, मिथिलांचल केवल जनकपुरी तक ही नहीं है, बल्कि यहां से शुरू होकर ये आगे बहुत ऊपर तक जाता है, और ऊपर तक जाता है इसका मतलब चीन वीन सब इसी के अधीन आते थे पहले। ये पूरी वहां तक। हाँ, और राजा की पदवी का नाम था जनक। माता सीता के जो पिता हैं उनका नाम नहीं है जनक, वो 14वें जनक हैं। उनका नाम है शील ध्वज। हाँ, उनका नाम तो महाराज शील ध्वज है। वो निमी वंश के थे, निमी वंश के में शील ध्वज उनका नाम था, और उनके छोटे भाई का नाम, माता उर्मिला के पिताजी का नाम कुश ध्वज था। शील ध्वज और कुश ध्वज दोनों भाई थे, और वो 14वें नंबर के जनक थे। देखिए, ये भी हमें आज पता चला कि सीता माता के पिताजी का असली नाम राजा जनक नहीं था। जनक तो उनकी पदवी है, पदवी थी महाराज। मतलब जनक का मतलब किंग, एक नहीं, जनक का मतलब पिता, पिता। हाँ। जनने वाला, जनने जनक, वाला। हाँ। सबका जनक। हाँ। तो वो उनकी पदवी है, ठीक है। और त्रेता में ये पदवी थी और राजा थे जनक। हाँ। इस त्रेता के समय ही भगवान नारायण, अच्छा, ईश्वर, उनके और इस धरती मां के संसर्ग से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था नरकासुर। नरकासुर, जिसको इस राजवंश से चिढ़कर लोगों ने नरकासुर कहा, नरकासुर कहा, जबकि उनका नाम था नरकासुर। ये मुझे भी जब मैं कूच विहार गया, हाँ, और ये पता चला कि वास्तव में जो नरकासुर जिसको बोलते हैं, हाँ, वो उनके यहां नरक देव नाम से है। और हाँ, इतना तो हमने भी सुना कि नरकासुर सीता जी का भाई है, ये तो सबने सुना। नरकासुर जो है उसका पालन पोषण जनक जी ने किया था, और जनक जी ने ही माता सीता का पालन किया था। माता सीता किसकी दर से जन्मी? धरती माता से। धरती माता से। और नरक किससे जन्मे? धरती माता से। तो दोनों की मां भी एक हो गई और पालक महाराज जनक भी, महाराज जनक, इसलिए दोनों को बहन भाई बोला जाता है। तो पहला रिश्ता उस क्षेत्र से मेरा, मेरी पूर्वजा माता। अच्छा। मैं सूर्यवंशी श्री राम के
ज्येष्ठ पुत्र कुश का वंशज हूं, वो माता सीता उस क्षेत्र की है, तो मेरी पहली ननिहाल वहां ये बनती है। आपका तो आपकी तो बड़े पुराने रिश्ते हैं वहां से। ये केवल कुंवर राजेंद्र सिंह के ही नहीं बल्कि संपूर्ण सूर्यवंश के हैं, सूर्यवंशी जितने भी हैं। और केवल सूर्यवंशी है भाई, हमारे भी रिश्ते वहीं से, आपके भी वहीं से हैं। और सूर्यवंश की सभी शाखाओं के वहां ननिहाल हो गई। इसके अलावा जो राम को अपना आराध्य मानते हैं, आराध्य भी तो पिता तुल्य होता है, बिल्कुल, तो उनकी भी ननिहाल सही मायने में ये क्षेत्र बनता है। जो भी भगवान, राम के भक्त, भगवान राम की भी ननिहाल वही है। ननिहाल नहीं है, भगवान राम की ससुराल है। अच्छा, सीता जी, सीता जी वहां की है, माता सीता वहां की है, माफ करिए। और देखिए वो रिश्ता आज तक जुड़ा हुआ है, यहां के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी ये रिश्ता हमें बताना बड़ा जरूरी है, जो आज के लोग हैं राजस्थान में भी वो जुड़े हुए हैं बहुत सारे। राजस्थान के तो रिश्ते अभी तक चल रहे हैं, हमारे तो रिश्ते कभी बंद हुए ही नहीं कुछ भी। आज माता सीता के बाद भी यदि हम न्यूमेरिकल तरीके से या तारीखों के हिसाब से इतिहास देखें, तो महाराज जनक जी का ही वंश है वहां। हाँ। आपने ये सुना होगा जो कटोच वंश है, जो पहाड़ी क्षेत्र में आता है, हिमाचल में भी आता है, और वहां से आगे से ये एरिया भी लग रहा है। वो कटोच वंश वंश अपभ्रंश होकर कौच हो गया। अच्छा, क्योंकि वहां का टंग जो है उनकी जितने भी पहाड़ी क्षेत्र के हैं, आपने खुद महाराज कूच बिहार के महाराज का भी प्रोनाउंसिएशन देखा होगा, वो थोड़ा सा टैको नहीं बोलते, कटोच कौच हो गए वो, साइलेंट है, तो वो इसलिए कौच कहलाते। अच्छा। और वो कटोच वंश के बाद में आगे यदि ज्ञात इतिहास को भी देखें अपन, तो यहां महाराज नरक के पुत्र हुआ था भगदत्त जी, और भगदत्त की पुत्री का विवाह हुआ दुर्योधन से। अच्छा, कुरुवंशी। अच्छा, 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 अच्छा। और उन्हीं के एक भाई और दूसरे मणिपुर के जो राजा थे उनकी पुत्री थी चित्रांगदा, उसका विवाह हुआ अर्जुन के साथ। तो चंद्रवंश से भी उनका रिश्ता बरकरार है, चंद्रवंशी भी वहां जुड़े हुए हैं राजवंशियों से। हाँ, अरे देखिए, और चित्रांगदा का पुत्र जो था वो था जिसको हम बब्रुवाहन कहते हैं। हाँ, बब्रुवाहन, वो वहां पर लोक देवता के रूप में उस क्षेत्र में पूजे जाते हैं, मसान बाबा के। अच्छा, बब्रुवाहन ने जब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ किया था, उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ लिया था बब्रुवाहन ने। हाँ, बब्रुवाहन, और बब्रुवाहन से युद्ध करने पहुंचे थे अर्जुन। हाँ। और अर्जुन वीर गति को प्राप्त हो गए। जब माता चित्रांगदा आई और उसने देखा कि उनके बेटे ने उन्हीं के पति को वीर गति, देखो क्या कनेक्शन जुड़ता है। ऐसे ही एक बार तीनों भाई मूर्छित कर दिए लव और कुश ने अश्व पकड़कर। यहां तीनों भाई नहीं बल्कि अर्जुन को ही मूर्छित कर दिया। किसने? उन्हीं के पुत्र। और जब माता चित्रांगदा आई तो उन्होंने कहा, मृत संजीवनी जानती। अच्छा, ये वो क्षेत्र है जहां अप्सराएं अपने यौवन को बरकरार रखने में सक्षम थी, और यहां पर सभी तरह की दैवीय शक्तियां थी, स्पिरिचुअल पावर थी सारी। यहां के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो स्वतः ही चलते थे। ये तो अनंत महाराजा ने भी मुझे बताया। द्वितीय विश्व युद्ध तक ये चला। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मनों का एक भी प्रॉपर लैंडिंग नहीं हुआ कुछ बिहार के आर्मी के सामने, हवाई अड्डे में। सारे क्रैश लैंडिंग हुई, यानी जो लैंडिंग हुई वो क्रैश, और जो बच गए उनके हैजा हो गया, बीमारी हो गई, और सारी सेना हिटलर की, हिरोएती की और मुसोलिनी की, जिसको सुभाष जी के साथ आई थी, वो वहां बिल्कुल बेकार हो गई। और आपको पता होना चाहिए, ये नारायणी सेना की बात कर रहे हैं। हाँ, नारायणी सेना की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र की जो सेना थी वो नारायणी सेना थी। अभी भी वो है, हालांकि अभी वो आर्म्ड नहीं है, पर वो सेना दिव्य शक्तियों से विभूषित थी। वो दिव्य शक्ति जो आज हम कहते हैं ना, आज बड़ा साइंटिफिक वर्ल्ड मानते हैं, उसका एक वीडियो मैं आपको दूंगा। एक सैनिक उनका अभी भी मार्शल आर्ट का इतना जबरदस्त है, और लाठी चलाता है। वो वीडियो मैं आपको दूंगा, वो जरूर देखिएगा। और ये नारायणी सेना उस समय बहुत ज्यादा दैवीय शक्तियों से विभूषित थी। और इस नारायणी सेना, इसके भगदत्त जो थे, भगदत्त भी पिता में भीष्म के समतुल्य योद्धा थे। और ये कहा जाता है, हमारे और उनके साहित्य में दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। हमारे साहित्य में ये कहा जाता है कि भगदत्त को कृष्ण ने जब नरकासुर को मारकर 16,108 रानियों को छुड़ाया था, तो हम तो कहते हैं उन्हें ले आए थे, वही रानी कहलाती हैं। उनका कहना यह है कि उन्होंने सबने सर पटक पटक के वहीं डाल दिया था कि हम नहीं जाएंगे नरक
सुर को छोड़ करके। दूसरी बात यह है कि भगदत्त को राजा जब श्री कृष्ण ने बना दिया था, श्री कृष्ण नरकासुर को इसलिए मार सके क्योंकि नरक देव को यह वरदान था कि उनको पैदा करने वाले दोनों ही मिलके उन्हें मार सकते हैं, कृष्ण और धरती। ये अनंत महाराजा ने भी बताया था, धरती का अवतार हुआ है सत्यभामा, इसलिए माता सत्यभामा ने और कृष्ण ने दोनों ने मिलकर नरक देव को मारा। तो उनकी जो नरक की शादी कहां हुई, नरक की शादी हुई थी मुंबई में, विदर्भ की राजकुमारी थी और उस राजकुमारी के माया देवी नाम था उसका, इसलिए मुंबई को माया नगरी कहते हैं। माया से पैसे से कोई संबंध नहीं है इसका, बल्कि उनका नाम माया देवी, माया देवी की वजह और से उन्हीं को अपभ्रंश होकर मुंबा देवी बनी है। माया देवी ने प्रार्थना की कि भगवान आप जन्मदाता हैं, आप मार सकते हैं, लेकिन अब मेरे इस पुत्र का क्या होगा। उन्होंने कहा ये उतना ही शक्तिवान होगा जितना नरक देव था और इसको कोई युद्ध में खुली आंख नहीं जीत सकता। और उनकी भुजा में उनकी कुलदेवी माता कामाख्या का वास था, और जब वो तो अपने दामाद की ओर से लड़े दुर्योधन की ओर से, और उनके मित्र भीष्म थे उनकी ओर से लड़े, तो भीष्म के ध्वज तले युद्ध लड़ रहे थे। और जब ये उनकी सेना खाली करते जा रहे थे पूरी, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ये जो सामने लड़ रहा है ना भगदत्त, यदि इसकी आंखें खुली रही, हालांकि वो इतने वृद्ध हो चुके थे कि अपनी पलकों को बांध के पीछे बांधते थे, आंखें खुली रही तो तुम इसे जीत नहीं सकते और भगदत्त सेना का नाश किए जा रहे थे, तो इनकी पट्टी काट दो। तो अर्जुन बोले कि साहब ये तो अन्याय होगा कि मैं एक योद्धा की युद्ध में पट्टी काट कर करूं। तो बोले तू न्याय कर ले, फिर कभी भी नहीं जीतेगा, तू मुझे आज छात्र धर्म समझा रहा है, कल तक मैंने तेरे को समझाया। और फिर श्री कृष्ण के आदेश पर महारथी अर्जुन ने उनकी पहले पट्टी काटी, आंख गिरी, फिर उनका जो है बंध गया। और उनके यहां कहते हैं कि जो उनकी भुजा थी उसको काटा और भुजा को गरुड़ देव लेके चले गए, और जब गरुड़ लेके चला गया तो कामाख्या माता चली गई और फिर वो निढाल हो गए, फिर वो किसी काम के नहीं रहे, ऐसे वो चले गए। ये उनके साहित्य में है। तो ये रिश्ता फिट वहां हो गया। अब आ जाते हैं हम, उस समय इसको कहते थे प्राग ज्योतिषपुर। ये क्षेत्र उस समय प्राग ज्योतिषपुर कहलाता था, कामरूप कहलाता था, कामपुर कहलाता था, जो बाद में कानपुर हो गया है अभी आज की तारीख में। अच्छा, और ये क्षेत्र कामरूप और काम ये अपना प्राग ज्योतिषपुर कहलाता था, प्राग ज्योतिषपुर। इसके बाद में इसको कलयुग की यदि अपन देखें तो इस वंश का एक बार, जैसे बहुत से तोमर वंश का भी हुआ, राजवंश का नष्ट हो जाता है, नहीं रहते हैं, इसी वंश के दूसरे एक परिवार का जिसका नाम था हरिया मंडल, यानी जागीरदार था, मंडल एक क्षेत्र को बोलते हैं, उसके मंडल के नेता को वहां मंडल जागीरदार बोलते हैं। मंडल कोई जाति को प्रतिनिधित्व नहीं करता है, एक रेवेन्यू पोस्ट है। तो हरिया मंडल के दो रानियां थी, हीरा और जीरा। अच्छा, और उनके पुत्र हुआ जिसका नाम था विश्व सिंह। अच्छा, और विश्व सिंह जो है वो फिर इस वर्तमान कूच विहार पर सिंहासन पर बैठा, उसने कोरोनेशन कराया। और उस विश्व सिंह के जो पुत्र थे उनके, विश्व सिंह के जो बेटे थे, मेरे दिमाग से नाम निकल रहा है उनका, महाराजा नरसिंह। अच्छा अच्छा, नरसिंह जो थे उन नरसिंह जी के एक पुत्री थी विद्या देवी, विद्यावती, उनका विवाह हुआ राजा मानसिंह प्रथम। अच्छा, यानी 16वीं सती में। अच्छा, अच्छा। राजा मानसिंह ने जब बंगाल को जीता उसमें कूचबिहार के महाराज नरसिंह ने, और उनका छोटा भाई था नरनारायण नाम था उनका राजा का, नरसिंह नरनारायण, क्योंकि विश्व सिंह की वजह से नरसिंह भी बोलते थे। तो नरनारायण और उनके छोटे भाई थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल ध्वज। अच्छा, जो वहां चिल्ला राय के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा अच्छा, और चिल्ला राय जी और महाराज मान सिंह जी ने मिलकर, चिल्ला राय इसलिए कहते हैं वहां बाज को चिल्ला बोलते, चीला, और उसने अटैक करता है इसलिए वो तेजी से अटैक करते थे, बाज का तो समझ ही रहे हैं। चिल्ला राय जी ने उनको विश्व महावीर बोलते हैं। चिल्ला राय जी ने मानसिंह जी की मदद की और बंगाल जीता, आसाम जीता, बंगाल उस समय ये वाला बंगाल नहीं, बांग्लादेश तक जाता है। और इसको जीतने के बाद आसाम भी उन्होंने जीता और सारा क्षेत्र जीता। और यहां उनकी जो पुत्री थी यानी राजकुमार शुक्ल ध्वज की जो भतीजी थी और नरनारायण की बहन थी, बेटी थी, उससे विवाह हुआ हमारे मानसिंह जी प्रथम का। मानसिंह जी प्रथम जो है इनके साथ दो रानी सती हुई हैं दक्षिण में, जब वो उनका वीरगति को, या वो जो वीरगति को तो नहीं प्राप्त हुए, मतलब नेचुरल मौत जब वो मरे तो दो रानी सती हुई, उसमें एक रानी कूचबिहार की प्रिंसेस थी। अब ये मानसिंह फर्स्ट की बात हो रही है, और ये 1606 में
अच्छा 1606 में, जब 1612 में, 12 या 6 है, मैं नॉट श्योर नहीं, देख लीजिएगा, उसमें जब मानसिंह जी गए तो उनके साथ वो सती हुई है। अच्छा, और अच्छा। ये इसी में हुई है मई के अंदर ही, 6 मई या 9 मई 12 मई कुछ ऐसा है, डेट आप कंफर्म करके देख लेना, ठीक है, उसको लगा देंगे। हाँ, तो ऐसी स्थिति में मानसिंह जी से विवाह हुआ, राजाओं का राजा के साथ, जागीरदारों का जागीरदार के साथ, वैवाहिक संबंध सतयुग से लेकर मानसिंह जी तक बरकरार, और मानसिंह जी से लेकर मानसिंह जी द्वितीय तक बरकरार, सवाई मानसिंह जी द्वितीय। छोटे राजपूतों का विवाह आपस में इसलिए दूर नहीं हो पाता था कि उनके पास ये संसाधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, बहुत दूर पड़ता था ना, दूर पड़ता था उस समय, 15-20 दिन महीना भर लगता था आने जाने, लेकिन बड़े लोगों का, राजाओं का राजाओं के साथ और जागीरदारों का जागीरदारों के साथ कंटिन्यू वैवाहिक संबंध रहता था। इसके बाद अपन देखें तो नृपेंद्र नारायण जो जी राजा नृपेंद्र नारायण है, उनके भाई हैं, उनका नाम है जितेंद्र नारायण, जितेंद्र नारायण जी, और जितेंद्र नारायण जी का विवाह होता है बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ महाराज की बहन से। यहां अब हम गुजरात में आ गए थे, गुजरात महाराष्ट्र तो उस समय एक ही था। हाँ बिल्कुल, तब तो एक ही था। तो गायकवाड़ महाराज की बेटी इंदिरा देवी जी से विवाह हुआ जितेंद्र नारायण, जितेंद्र नारायण, नृपेंद्र नारायण जी के कोई इशू नहीं था। जितेंद्र नारायण जी को मैं दोस्तों बता देता हूँ कि जितेंद्र नारायण जी उस वक्त थे जब भारत आजाद हो रहा था। हाँ, वो पीरियड चल रहा था, वो चल रहा था पीरियड, मतलब 1900 ईस्वी के जो 20वीं ईस्वी चल रही थी, ये उसका, वहां आ गए हम जी। जितेंद्र नारायण जी के दो पुत्र थे, बड़े नाम वाले जिनको कहेंगे, एक जगदीपेंद्र नारायण और दूसरे थे इंद्र जितेंद्र नारायण। अच्छा, और दो तीन बेटियां थी, जो बड़ी बेटी है वो त्रिपुरा की राजमाता है। अच्छा, अभी जो वर्तमान जो त्रिपुरा से प्रिंसेस गई हैं सांसद बनके, उनकी दादी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और नाम फिर इला देवी उनका नाम है। अच्छा अच्छा, और दूसरी जो है वो है गायत्री देवी। हाँ, गायत्री जो हमारे अलवर जयपुर की राजमाता, जिनका विवाह सवाई मानसिंह द्वितीय से हुआ। अच्छा, और तीसरी जो थी उनका विवाह देवास हुआ। अच्छा अच्छा, देवास महाराज, देवास महाराज। अब जगदीपेंद्र नारायण महाराज जो हैं, इनके और इंग्लैंड की महारानी और रूजवेल्ट के बीच में एक संधि हुई थी, जिसको उस जहाज की संधि कहते हैं। उस संधि का ये हिस्सा था कि आप हमारा विश्व युद्ध में साथ दो, द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में नृपेंद्र नारायण जी ने साथ दिया था। जब उनसे द्वितीय विश्व युद्ध में साथ मांगा तो उन्होंने कहा हम क्यों साथ दें भाई तुम्हारा, हम तो क्यों साथ है? सही बात है। तो उन्होंने कहा आप साथ इसलिए दीजिए कि हम तो जैसे भी हैं, आप हमें जानते हो, हम स्त्री को, महिलाओं की इतनी बेकदरी नहीं करते जितनी की हिटलर, हिरोहिती और मुसोलिनी, ये धुरी राष्ट्र थे और मित्र राष्ट्र थे अपना फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस। धरती की लड़ाई में मित्र राष्ट्रों को हरा दिया था धुरी राष्ट्रों ने, और बुरी तरह से बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जर्मनी और जापान में सेना को सेक्स फ्री है, इसका अर्थ यह होता है सैनिक जिस बच्ची को, जिस महिला को हाथ लगा दे और मांग ले, उसको कोई मना नहीं कर सकता कि ये हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए इनको ये अधिकार है, हमारे यहां इसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और यदि मान लीजिए इंग्लैंड हारकर यहां हिटलर का और हिरोहितो का और मुसोलिनी की बात चलती, उस देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि सुभाष जी प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन स्थिति यह भी बनती और यह हम भारतीय स्वीकार नहीं कर सकते थे। तो महाराज जगदीपेंद्र नारायण ने इस बात को ध्यान में रखते हुए उनका साथ देने के लिए तैयार हुए, लेकिन दो शर्त लगाई। पहली शर्त तो यह कि आप भारत के उस हिस्से को छोड़ जाओगे जो ब्रिटिश भारत कहलाता है। भारत उस समय दो हिस्सों में था, एक तो था ब्रिटिश भारत और दूसरा था प्रिंसली स्टेट, तो रजवाड़े, और ब्रिटिश भारत जिसको अंग्रेजों ने मुगलों से जीता था। जैसे कि बंगाल है, अलग अलग जगह, टीपू सुल्तान से जीता, टोंक से जीता, अजमेर से जीता, दिल्ली से जीता, जो मुसलमानों से जीता था वो उन्होंने डायरेक्ट मिला लिया, और जो क्षत्रियों के साथ में उनकी राजपूतों के साथ में प्रिंसली स्टेट के रूप में संधि थी। संधि हमेशा दो बराबर वर्णों में होती है, बिल्कुल, एक छोटा एक बड़े में कभी संधि नहीं होती, गुलाम में और राजा में कभी संधि नहीं होती। संधि दो राजाओं के बीच में होती, समान स्टेटस वालों के बीच में होती है। तो यानी राजाओं की सम्राट के साथ संधि हुई, सम्राट का प्रतिनिधित्व या क्वीन का प्रतिनिधित्व या गवर्नर जनरल करता था बिल्कुल। और उस गवर्नर जनरल के प्रतिनिधित्व में जो संधि हुई वो दोस्ती संधि कहलाती, फ्रेंडली ट्रीटी।
जिसको दोस्ती संधि जो राज परिवारों की यहां से राज परिवारों के साथ थी। कोई गुलाम नहीं था किसी का भी, झंडा राजाओं का ही चलता था, सिक्का राजाओं का ही चलता था, सिर्फ ट्रीटी थी जो विदेश नीति के मामले में और डिफेंस में जरूरत पड़ने पर उनसे सेना लेते हैं देने का काम काम करते, जो आज भी भारत की ट्रीटी अमेरिका के साथ है, रूस के साथ है, तो है, कोई किसी का गुलाम बिल्कुल। तो ये जो 562 और कुछ थे हमारे, जिनमें कुछ ठिकाने भी थे अलग अलग जगह, हाँ बहुत, इनकी ट्रीटी थी, ये वहां से ब्रिटिश भारत को छोड़ के चले जाएंगे और ट्रीटी अपने आप जिसकी जैसी राज्य है वो रह जाएगी। और इसके अलावा दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी कि विश्व में जहां भी 80 देश तुमने गुलाम बना रखे वहां से भी तुम हटके जाओ, अंग्रेजों ने जहां अपनी, और ये दोनों बात उन्होंने मानी। द्वितीय विश्व युद्ध में महाराज जग दीपेंद्र नारायण ने अपने बहनोई महाराज मान सिंह जी जयपुर, अपने मामा सयाजी राव गायकवाड़, देखो डॉक्टर अंबेडकर को सारी दुनिया पूछती है पर डॉक्टर अंबेडकर को राजमाता गायत्री देवी के मामा ने भेजा था, मामा ने भेजा था विदेश में पढ़ने के लिए, विदेश जग दीपेंद्र नारायण जी के मामा ने भेजा था। नहीं नहीं सच्चा, राजाओं ने क्षत्रियों ने क्या किया, लोग बार बार मुंह उठाकर कह देते हैं, उनके मुंह पर तमाचा है कि एक तो डॉक्टर अंबेडकर को डॉक्टर अंबेडकर बनाया, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पढ़ाना लिखाना सारी चीज उन्होंने ही की, अगर वो नहीं करते तो आज और डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी दादाजी ये दोनों ही वहां पर बड़ौदा की प्रिंसली स्टेट के अंदर उच्च सेवाओं में थे, तभी तो वहां भेजा उनको, दीवान जैसे पदों पर थे तभी तो, और डॉक्टर अंबेडकर भी शुरुआत में महाराज गायकवाड़ के पास ही जॉब किया है। तो ये हम सब रिलेटेड हैं, डॉक्टर अंबेडकर भी हमारे ही परिवार में से निकल के गए, भले ही उनकी अलग हो। तो ये कहना कि अछूत छूत ये सब वामपंथियों द्वारा फैलाया गया भ्रम है, हमारे देश में डॉक्टर अंबेडकर साहब कभी कोई छुआछूत नहीं हुई, जब हम छोटे मोटे राजाओं से तो बड़े माने जाते थे, तो राजा के दरबार सोचिए कैसे, अगर उनके साथ छुआछूत होती उनके परिवार के साथ, होते तो वो कैसे उनके साथ वो रहते और कैसे वो भेजते, तो ये छुआछूत नहीं मान सकते आप बिल्कुल भी, भले ही आप कितना ही कहो आज वोट बैंक के लिए कि हमारे वोट बैंक है और हम छुआछूत, तो ये अपना एक एजेंडा है सिर्फ। तो उसके बाद ये देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद में महाराज जग दीपेंद्र नारायण जी को उस समय ये ऑफर दिया गया था भारत सम्राट बनाने। अब कहने को तो अचानक कोई कह देगा जग दीपेंद्र नारायण जी की क्या भूमिका, अरे जिनके बहनोई सवाई मानसिंह प्रथम हो द्वितीय हो, जिनके मामा जी सयाजीराव गायकवाड़ हो, बहन राजमाता गायत्री देवी, बाद में भी कांग्रेस मतलब प्रजातंत्र जब लागू हो गया 1947 में भारत का बंटवारा हो गया, उसके बावजूद भी कांग्रेस से कौन लड़ रहा था, गायत्री देवी, और कौन लड़ रहा था, ये कहां थे जो आज बीजेपी वाले और ये इनका कहीं जरा नहीं हुआ, कुछ था ही नहीं, इनको तो गायत्री देवी जी के सहारे से ही ये गए, आचार्य करपात्री जी और राजमाता गायत्री देवी ने ही विपक्ष की भूमिका निभाई थी, जो राम राज्य परिषद स्वतंत्र पार्टी ये उस समय की विपक्ष, बिल्कुल बिल्कुल, तो गायत्री देवी जी का ये इनके साथ जुड़ाव था, जुड़ाव नहीं है तो प्रिंसेस से, बिल्कुल, तो ये इनकी हिस्ट्री यहां तक की है। उसके बाद में गायत्री देवी जी के जो भाई थे जग दीपेंद्र नारायण जी, उनके कोई इश्यू नहीं था, और उनके छोटे भाई इंद्र जितेंद्र नारायण के एक बेटी और एक बेटा, जो बेटी है वो इस समय उनका विवाह हुआ है कोटा में, अच्छा, और कोटा की वर्तमान राजमाता है वो, अच्छा, और अच्छा। उनके एक छोटे भाई थे ब्रजेंद्र नारायण, अच्छा, ब्रजेंद्र नारायण जी को गद्दी पर वहां लोगों ने माना राजा, लेकिन उनके भी कोई शादी नहीं हुई, इशू नहीं हुआ, उनका कोई नहीं है इस समय उस परिवार के अंदर, उस राजमाता जी के पिताजी दादाजी वाला परिवार कोई नहीं है। अच्छा, फिर जब कोई नहीं होने पर वो 84 में चले, 82 में वो चले गए थे, अच्छा अच्छा, जो हमारे ब्रजेंद्र नारायण, और उनके परिवार में कोई रियल ब्लड नहीं बचा, तो उसके बाद पब्लिक ने इकट्ठा होकर और उसी महाराज भगदत्त की डायनेस्टी से ही नगेंद्र नारायण जी, नगेंद्र राय जी, जो उस समय ONGC में इसमें सर्विस करते थे IOC में, इनको वहां से डेजिग्नेट किया कि आप हमारे इस ब्लड से ही आते हैं, और फिर इन्होंने 2 साल बाद, इनको कॉरोनेशन 82 में हुआ, 84 में हुआ, 88 में 4 साल में इन्होंने ग्रेटर कूचबिहार पीपल्स एसोसिएशन का गठन किया, और ब्रजेंद्र नारायण जी के ही नजदीकी ब्लड के, हालांकि प्योर ब्लड और बिल्कुल लाइन से नहीं थे, लेकिन फिर भी अलनेन्द्र नारायण जी थे, अच्छा, उनको उसका अध्यक्ष बनाया ग्रेटर कूचबिहार पीपल्स एसोसिएशन का। अब वो भी नहीं रहे, वो भी चले गए, और महाराजा अनंत देव नारायण नाम इनका पड़ा कॉरोनेशन के बाद नगेंद्र नारायण, नगेंद्र राय जी का, और उसके में फिर ये उसके संरक्षक के रूप में हैं, और इन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने लोगों के साथ मिलने के लिए बात की तो बीजेपी का वहां जन्म हुआ बंगाल में, और फिर उसके बाद महाराजा अनंत देव नारायण जी को 2023 में आपके राज्यसभा में भेजा गया। अच्छा, मुझे राज्यसभा सदस्य हैं ये बीजेपी के,
बंगाल से। मुझे उन्होंने बताया अनंत महाराज जी ने कि वहां करीब 60 या 56 सीटें हैं और सारी सीटें बीजेपी की वहीं से आ रही। टोटल बीजेपी की बंगाल में सीट थी, अब तो कम हो गई थोड़ा, उनमें से 56 इस एरिया की है। 56 मतलब 60 सीट वहां है और 60 में 56 इनकी सीट जीती है, इसीलिए तो इनको मजबूरी हो गई थी इनको सांसद बनाना राज्यसभा। अब राज्यसभा तो एमएलए से ही बनता है। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, लेकिन इसको हम बताएंगे, हमने महाराजा कूच बिहार का भी इंटरव्यू किया है, हालांकि हमने वहां की कंडीशन उन्होंने भी बहुत थोड़ी सी बताई है कि कितनी खराब है। नरुका साहब से हम और आगे की कि आज कूच बिहार किस तरह से बर्बाद हो गया है, जो कूच बिहार की जो जो स्थायी निवासी हैं वो संघर्ष कर रहे हैं अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, एक तरह से बर्बाद कर दिया है, चाहे घुसपैठ के जरिए हो चाहे दूसरी हो, वहां का जो इकोसिस्टम है वो पूरा बदल दिया गया दोस्तों। ये बहुत खतरनाक हुआ है और ये आपने इतिहास अभी सुना। हम आगे देखेंगे कि किस तरह से वो जो पूरा इकोसिस्टम है वहां का, डेमोग्राफी है वहां की, वो कैसे बदल दी गई है और आज वहां के जो हालात हैं देश में सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिलेगा। तो लोग संघर्ष के साथ साथ बहुत सारी चीजों पर उतर आते हैं, आप सबको सोचना होगा। नरुका साहब से हम इस पे बात करेंगे आगे, अगले इंटरव्यू में फिर आपको सुनाएंगे कि हुआ क्या है वहां, क्या परिस्थितियां हैं। सर आप आज जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।